भोजपुरी इंडस्ट्री की हॉट केक कहे जाने वाली अंजना सिंह और भोजपुरी के जाने माने अभिनेता यश मिश्रा के रिलेशन के बारे में हर कोई जानता है। उनका रिश्ता पूर्वांचल में किसी से छुपा नहीं था। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आखिर क्यों हुआ अंजना सिंह और यश कुमार का तलाक। उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के साथ भोजपुरी फिल्म दिलदार सवैया के निर्माण के दौरान अंजना और यश एक दूसरे के करीब आ गए थे और साल 2013 में ही इन दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों काफी खुश भी थे और उनकी एक बेटी भी है। आपको बता दें, शूटिंग के दौरान घंटों दोनों एक कमरे में बंद रहते थे। इस दौरान उनके प्यार के चर्चे भी सरेआम हो गए। सेट पर मौजूद लोगों में दोनों के अफेयर से जुड़ी खूब बातें होती थी। उसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और अचानक यश और अंजना ने तलाक लेने का फैसला लिया। हालांकि इनके फैसले से फैंस काफी नाराज हुए थे, लेकिन दोनों का फैसला कायम रहा, दोनों अलग अलग हो गए। यही माना जाता है कि तलाक की वजह यश मिश्रा की दूसरी हीरोइनों से बढ़ती नजदीकियां थी और ये बात अंजना सिंह को रास नहीं आ रही थी, जिसके कारण दोनों में तलाक हो गया। कुछ साल तक दोनों ने एक साथ काम तक नहीं किया, पर अभी एक साथ काम करना शुरू कर चुके हैं। तो इस पर आप सबकी क्या है राय, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें।